क्या भले आपकी शक्ल जो है वो कहीं ना कहीं बदल चुकी है, लेकिन जो दिल है वो एक ही है। दिल शादी को मीरा बन के जिस तरीके से आपका रोमांस भी चल रहा है, सो यही सही कहा कि रूप बदला है पर अंदर से तो मीरा ही है, एंड फीलिंग्स इमोशंस अटैचमेंट वही है, एग्जैक्टली वही है। तो बस वही साड़ी कौर के रूप में तो आ गई है, पर विवान को भी वो करंट फील हो रहा है और मीरा को भी। लेकिन आप किस तरीके से अपने आप को बचाने के लिए, जिस तरीके से आप गिर गए उनके ऊपर भारी भरकम शरीर के साथ, भारी भरकम शरीर इतने तीन इसके नीचे मैंने कपड़े पहन रखे हैं मोटे मोटे फोम वाले मोटा करने के लिए, एंड ये बिग और ये गर्मी उफ, बट मैनेज कर ही रहा है विवान काफ़ी अच्छी तरीके से। जो सीन हुआ, जो आपने जो दोनों सीन शूट किए थे उसके बारे में फटाफट बता दीजिए, जो पासपोर्ट वाला अभी और जो ऊपर भी। सो फाइनली साड़ी कौर के तौर पे मैं पासपोर्ट लेके आ गई हूँ। पासपोर्ट विवान को मिला था बट उस पर शक्ल नहीं दिख रही थी, तो फाइनली मीरा ने साड़ी कौर बन के उस पासपोर्ट की फ़ोटो को क्लियर करा, विवान के सामने लेके आई पम्मी कौर की फ़ोटो। पर जो रोमा जी के एक्सप्रेशंस थे, और मीरा को लग रहा है कि इतनी बड़ी बात हो गई और रोमा ने कुछ ढंग से एक्सप्रेस नहीं किया, तो उसको पूरा शक है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लास्टली जानना चाहते हैं, ये भी जानना चाहेंगे जिस तरीके से साड़ी कौर और रोमा के बीच का इंटरेक्शन अभी हमने देखा, दोनों आपस में आंखों आंखों में बात कर रहे थे गुस्से में, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कहीं ना कहीं आपकी सच्चाई उन्हें पता है तो? नहीं नहीं नहीं, किसी को सच्चाई नहीं पता साड़ी कौर कौन है क्या है, किसी को नहीं पता। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि मैं मुँह पर धमकी भी, मैं मुँह पर धमकी भी दे सकती हूँ, पर उसको पता भी नहीं चला। थैंक यू, सॉरी प्लीज यार, सॉरी।